जनता यहाँ की ऐसी है, जहाँ जाती है थूक देती है, जहाँ जाती है मुंह देती है। इतनी आज़ादी हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सर आपका नाम? राजेंद्र अजमानी। रंजन सर, क्या लगता है आपको कि कोविड के बाद फिर से जब शॉप्स ओपन हुई हैं तो इस बार आपको सेल्स में अप दिखने को मिल रहा है या डाउन देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। कोविड 19 की वजह से मार्केट में बहुत ही इफ़ेक्ट आया हुआ है और मेरा ख्याल से 90% व्यापारी जो है वो परेशान है इस समय अपने व्यापारी में। एक डर का माहौल मार्केट में छा गया है, तो सर क्या कहते हैं कि सरकार को किन नीतियों पे और ध्यान देने की ज़रूरत है या क्या कमी रह गई है सरकार से जो व्यापारियों में आज डर का माहौल है, तो सरकार से क्या कहेंगे आप? व्यापारी से आज तक किसी ने नहीं पूछा आगे कि आप किस हाल में हैं, आप कैसे अपने परिवार चला रहे हैं। व्यापारी अगर EMI दे रहा है तो वो भी उसको देनी पड़ रही है, अगर बैंक से लोन ले रखा है उसका ब्याज देना तो वो भी उसको देना पड़ रहा है, बिजली के बिल उसको आ रहे हैं वो भी देने हैं उसको, कमाई का जरिया है नहीं। अब वो मरे या जिए हमारी सरकार की बला से, वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है किसी को मतलब नहीं है। हमारे जितने नेता हैं, सभासद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनको जब वोट लेना होता है तब तो ये नागरिक करते हैं आगे हम लोग आगे, और जब वोट लेके ये जीत जाते हैं तो ये 5 साल नज़र नहीं आते, बिल्कुल ऐसे जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है, कोई नहीं पूछता आगे कि आप लोग किस हाल में हैं। आज कोविड 19 वजह से जो हम लोग का हाल हुआ है, किसी भी सांसद ने, सभासद ने नहीं आगे पूछा कि आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, आपके कैसे व्यापार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर सरकार ने सुविधा दी है लोन के लिए कि आप लोन ले लीजिए, लोन तो ले ले आदमी, जब व्यापारी नहीं है तो लोन लेके माल बेचेगा क्या, उसका ब्याज कैसे देगा वो आदमी जब व्यापारी नहीं है। पहले तो नोटबंदी ने मारा हम लोगों को, फिर GST ने मारा, अब कोविड ने मारा। चलिए कोविड तो विश्व की महामारी है, सब इफेक्टिव हैं, लेकिन जो नोटबंदी और GST ने मारा है वो बहुत इफेक्ट आया हुआ मार्केट में, जो कि उठने नहीं दे रहा मार्केट को। तो व्यापारियों की दिक्कत बहुत ज़्यादा है जो सर के हिसाब से नेताओं को और विधायकों को नहीं देख रहा है। दरअसल चुनाव के माहौल में तो वो आपके पास आते हैं, बाकी साल वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो सर ऐसे नेता, ऐसे विधायक, क्योंकि आप एक मतदाता हैं, आपके पास पूरा अधिकार है उनसे क्वेश्चन पूछने का कि आप लोग गायब हो जाते हो और जब बरसाती मेंढक की तरह जब बरसात होती है तब आप लोग बाहर निकल आते हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं को, ऐसे विधायकों को, ऐसी सरकार को? मैं तो चाहूँगा कि सब नेताओं का बहिष्कार करे जनता एक बार, अगला इलेक्शन जब भी आए सबका बहिष्कार कर दिया जाए, कोई वोट नहीं डालने जाएगा, इनको कोई नहीं चुनेगा। क्यों? हम 73 साल से देख रहे हैं, 73 साल से कुछ भी नहीं बदला है, टूटी फूटी सड़कें दी हैं इन्होंने 73 साल में हम जनता को, उस जनता को जो जनता इनको चुन के भेजती है अपनी सुख सुविधा के लिए, वो तो असुविधा में हो जाती है, ये सुविधा में हो जाते हैं नेता लोग जो हैं, ये सुरक्षित हो जाते हैं, हम असुरक्षित हो जाते हैं। वोट मांगने से आते हैं कि हम आपका ख्याल करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए हैं, लेकिन 73 साल में कुछ भी नहीं बदला, वो चाहे कांग्रेस हो, 7 साल से BJP है, हमको कोई नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने कुछ हम लोग के लिए किया हो। सड़कें आज भी वैसे टूटी फूटी हैं जो आज से कांग्रेस राज में थी और आज 7 साल से BJP राज है, कुछ नहीं बदला। ऐसे ऐसे गड्ढे मैं इनको सड़कों के दिखा सकता हूँ जो सालों से मैं देख रहा हूँ, शिकायत करता हूँ कोई सुनने वाला नहीं है, वो चाहे पार्षद हो, चाहे सभासद हो, चाहे सांसद हो। मोदी सरकार की जो अभी तक नीतियाँ रही हैं, उनके द्वारा जो अभी तक काम किए गए हैं, उसको अगर देना हो आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर मोदी सरकार को, यूपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को, तो आप कितने सेटिस्फाई हैं उनसे और कितना नंबर देंगे? 10 में 5 नंबर में देना चाहूँगा, क्योंकि देश के जो कुछ समस्याएं ऐसी थी जो 65 साल के अटकी हुई थी वो इन्होंने की हैं, जैसे चाइना के साथ इस समय बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, सड़कें बना दी हैं बॉर्डर पे, पुल बना दिए हैं, काफ़ी असला वगैरह जो इन्होंने खरीदा है बाहर से अपनी देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन जो देश की मेन समस्या है, जनता को स्वच्छ पानी, टूटी फूटी सड़कें ना हो और गंदगी ना हो, पोल्यूशन ना हो, जो जनता का मेन हक है। जनता को अगर 3 चीज़ें मिल जाएँ और दूसरा महंगाई से छुटकारा मिल जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है, कोई भी सरकार आए सबसे पहले जनता की समस्याओं को सुना जाए। आज योगी जी ने 3 महीने पहले बोला था कि यूपी के गड्ढे भरे जाए, सड़कों के गड्ढे भरे जाए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने देखा है। मैं अपने सभासद को आज 2 साल से कह रहा हूँ जो गड्ढे हैं भैया ये गड्ढे हैं इनको भरवा दो, आज तक नहीं भरे गए हैं,
समझिए, जब दो साल में गड्ढे नहीं भरा हुआ ऐसा बात, वो क्या करेगा? वोट लेने जब आया था तो हाथ पैर जोड़ रहा था, अब वो सुनता भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे लोकतंत्र का? हम तो कहते हैं भाड़ में जाए ऐसा लोकतंत्र, थोड़ा सा सख्ती तंत्र आना चाहिए। हमारे जो भी नेता हैं, सभासद हैं या सांसद हैं, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर शहरों के रख रखाव का जिम्मा होता है, क्या कभी उन्होंने रात को निकल के देखा है कि हमारे शहर किस हालात में है? हम तो कभी रात को निकलते हैं लगता है जैसे हम किसी गांव बदतर गांव से भी गए गुजरे। हम लोग पूरा शहर रात को अंधेरे में गड्ढे में, मतलब कोई मरे या जिए हमारी बला से। और एक और कहावत है, आँख के अंधे कान से बहरे अकल से खारिज। ये कहावत जो है वो उन अधिकारियों कर्मचारियों में सही उतरती है जो रोज़ सड़कों में घूमते हैं, शहरों में घूमते हैं, देखते हैं शहरों के रख रखाव का जिनके ऊपर जिम्मा है। कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि हम शहर को अपने स्वच्छ रखें। कहीं ना कहीं जनता की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उनको दिया जा रहा है उसको स्वच्छ रखें। जैसा भी मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, तो जनता का भी कहीं ना कहीं ये कर्तव्य बनता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार अगर कुछ उनके लिए अच्छा कर रही है तो उसको मेनटेन रखें। तो जनता के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि गंदगी फैलाने में हमारी जनता भी 90% जिम्मेदार है। जो राह चलते कारों से घूमेंगे फॉर्चूनर पे इनोवा में और कागज़ उठा के बाहर फेंक देंगे, खाने के बाद पानी की बोतल बाहर फेंक देंगे उठा के, क्या इन लोगों में इतना सेंस भी नहीं है कि इस चीज़ को ना किया जाए? आप घर को तो अपने स्वच्छ रख सकते हैं लेकिन घर के बाहर निकल के आप शहर को स्वच्छ नहीं रख सकते। आप जहाँ जाते हैं थूक देते हैं पान खाने के बाद, क्यों भाई क्यों थूकते हैं? आप घर में क्यों नहीं थूकते? घर में तो ऐसे नहीं थूकते होंगे आप लोग जो पान खाने वाले हैं, मसाला खाने वाले हैं, गुटखा खाने वाले हैं। क्या शहर को गंदा करने का ठेका हम ही लोगों ने ले रखा हुआ है? आपका कोई फर्ज नहीं बनता? आज मोदी जी 7 साल से स्वच्छ भारत चला रहे हैं, क्या कभी आप लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, क्या कभी उन्होंने इस बात को सोचा है कि भाई ये हमारा फ़र्ज बनता है ये शहर को स्वच्छ रखना? मैं फिर आप प्रार्थना करूँगा, अपनी जनता से भी प्रार्थना करूँगा, जो 90% जनता है जो इस चीज़ को नहीं मान रही है स्वच्छ भारत को, वो भी इस पर आएँ और ध्यान दें और थूकना और मूतना बंद करें जहाँ जहाँ ये खड़े होकर मुँह देते हैं और थूक देते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद धुआंधार न्यूज़ से जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि अगर 90% लोग हैं जो ये नहीं मानते हैं लेकिन 10% में स्तर भी आते हैं, वो लोगों से भी यही कहते हैं कि वो भी अपने आप को चेंज करें, तभी ये देश बढ़ पाएगा, तभी ये देश साफ सुथरा और रहने लायक बन पाएगा। हमें भी अच्छा लगा कि वो हमारी सुनने आया, जो हमारे दिल में गुबार था हमने आज निकाला है।